वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं अंशु और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। फिर से आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। आज मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर लेके आई हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, एंड ये ऐसे स्ट्रक्चर है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाय द वे, जितने भी स्ट्रक्चर मैंने अभी तक बताए हैं वो सारे बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो आज मैं फिर से आप लोगों को कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो चलिए आज के हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं आज के हमारे एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज है, किस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, बट बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, बिफोर स्टार्ट दिस क्लास, आई वांट टू से दैट अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, न्यू हैं, सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस लेसन को, इस क्लास को। ओके, सो आज का जो हमारा पहला, आज हम लोग पहला स्ट्रक्चर जो पढ़ने वाले हैं वो है ये। ओके, स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, केयरफुली यूज करनी है, केयरफुली। प्रॉपरली आप यूज कर सकते हैं केयरफुली या फिर प्रॉपरली। लेस्ट यू शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट यूज करना है। वंस अगेन आई रिपीट द स्ट्रक्चर दैट व्हाट यू हैव टू डू इन द स्ट्रक्चर, व्हाट यू हैव टू डू इन द सेंटेंस व्हेनेवर वी क्रिएट एनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके, यू हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई हियर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। आप चाहे यहाँ पे केयरफुली या फिर प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यूज क्या करना है? लेस्ट यूज करना है। उसके बाद हमें यूज क्या करना है? यू। उसके बाद शुड यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है? जब हम इस तरह से बात करते हैं कि ध्यान से चलो वरना नहीं कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाओ, ध्यान से पढ़ो कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ, ध्यान से बनाओ कहीं ऐसा ना हो ये खराब हो जाए। ओके, सो जब हम बात करते हैं इस तरह की तो वहां पे हम ये स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं हमारा इसका मतलब क्या होता है। कहीं ऐसा ना हो, इसका मतलब क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। अब देखते हैं इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल शो किया है, तो ये है आज का हमारा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल। अब हम चलिए देखते हैं इसको क्रिएट किस तरह से करते हैं, इसे बनाते किस तरह से हैं। तो हमारा एग्जाम्पल जो है, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। ओके, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो गिर जाओ। तो इसे इंग्लिश में कैसे हम यूज करेंगे, बस आपको फॉलो क्या करना है? हमारे स्ट्रक्चर फॉलो करना है जस्ट ओनली, एंड इसके बाद आपको उसी पे इसको रख देना है। बट आपको वर्ब हमेशा ध्यान ही देना है। ओके, जस्ट ओनली आपको वर्ब ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। ओके, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल डाउन, लेस्ट यू शुड फेल डाउन। अब देखिए वर्ब हमारा क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा वर्ब क्या हो रहा है? पहला वर्ब हमारा हो रहा है चलने का, और दूसरा वर्ब क्या हो रहा है? गिरने का। सो चलना हमारा वर्ब है, मतलब चलेंगे तो काम ही तो हो रहा है, और गिरना मतलब गिर गया, मतलब ये भी एक वर्ब ही हुआ। ओके, सो हमें सबसे पहले वॉक हमने लिखा, अब हमें क्या यूज करना है? केयरफुली या फिर प्रॉपरली। तो हमने यहाँ पे यूज क्या किया है? केयरफुली। अब हमें क्या यूज करना है? लेस्ट, हमने लेस्ट यूज किया। अब हमें क्या यूज करना है? यू, हमने यू यूज किया यहाँ पे। अब शुड, अब हमारा दूसरा वर्ब क्या है? जैसे मैंने आपको दूसरा वर्ब बताया कि हमारा दूसरा वर्ब क्या है, दूसरा वर्ब हमारा क्या है? फेल, मतलब गिरना। गिरना हमारा क्या है? दूसरा वर्ब। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? फेल। अब ऑब्जेक्ट है मतलब डाउन, मतलब नीचे। अब फेल डाउन मतलब गिरना होता है। ओके, फेल डाउन। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस। ओके, समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इससे रिलेटेड। और आज का हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, ध्यान से पढ़ो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। सपोज दैट अगर किसी की, किसी का पेपर आने वाला हो, एंड अगर आप उसे सजेस्ट करना चाहते हैं कि ध्यान से पढ़ना,
ओके अगर वो बहुत ज्यादा घूम रहा हो तो आप बोल सकते हैं ध्यान से पढ़ो, कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ, थोड़ा पढ़े उसके बाद घूमने चला जाए। तो आप इस तरह से उसे सजेस्ट कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ। कैसे यूज करेंगे चलिए देखते हैं। स्टडी, अब देखिए हमारा पहला वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने की इंग्लिश होती है स्टडी, रीड आप बोल सकते हैं, ओके स्टडी। अब जब ध्यान से पढ़ेंगे तो स्टडी ही यूज करेंगे, ओके स्टडी केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट यू शुड फेल, स्टडी केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, ओके तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ओके किसी को भी बता सकते हैं कि आप इस तरह से ये काम करिए, ओके एंड ये हम डेली यूज करते हैं ना अपनी लाइफ में, ओके सो आई होप यू गॉट दिस, ओके और आपको यूज करना है, ओके यू शुड यूज दीस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ओके नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज का हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कुक केयरफुली लेस It should taste less. Cook carefully, let's it should taste less. मतलब ध्यान से पकाओ खाना, ध्यान से पकाओ कहीं ऐसा ना हो ये स्वादहीन हो जाए या फिर खराब हो जाए। ओके आप स्वादहीन यूज कर सकते हैं, खराब यूज कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये खराब हो जाए, ध्यान से पकाओ, ओके तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है Play carefully lest you should get defeated. You should get defeated. Play carefully lest you should get defeated. इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से खेलो कहीं ऐसा ना हो तुम हार जाओ। ध्यान से खेलो कहीं ऐसा ना हो तुम हार जाओ। You get defeated. ओके तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, और हम बहुत ज्यादा सेंटेंस से क्रिएट, हम बहुत ज्यादा दिन भर में बहुत ज्यादा ऐसे सेंटेंस बोलते रहते हैं। ओके सो नाउ यू हैव टू स्पीक लाइक दिस, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड, अगर आपको आइडिया नहीं है कि इस तरह के सेंटेंस हम इसमें किस तरह से बोलें, सो आई प्रोवाइड दैट हाउ टू यूज इन आवर डेली रूटीन। ओके मैंने आपको प्रोवाइड किया है कि इसे अपने डेली रूटीन में किस तरह से बोलेंगे, या फिर कहीं पे भी अगर हमें किसी को कहना हुआ तो किस तरह से बोलेंगे। ओके सो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है, ईट प्रॉपरली लेस्ट इट शुड हार्मफुल, इट शुड हार्मफुल, क्या होता है, ध्यान से खाओ कहीं ये आपके लिए हानिकारक ना हो जाए, ओके कहीं ये हानिकारक ना हो जाए, ओके तो मतलब कि आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो जाए, कहीं ये आपके लिए खराब ना हो जाए, ओके तो आप इसे यूज कर सकते हैं इस तरह से, ईट प्रॉपरली लेट्स इट शुड हार्मफुल, हार्मफुल, ओके लेट्स इट शुड हार्म ओके सो इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके एंड नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एंड नेक्स्ट हमारा आज का जो एग्जांपल है, द नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट, जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट take a 1 minute, just ओके सो नाउ आई एम हियर एंड लेट्स गो अहेड। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट
स्ट्रक्चर, ओके, सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट, ओके, लेट्स गो अहेड, एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट, ओके, लिटिल बाय लिटिल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड देन हमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, ओके. व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज हियर लिटिल बाय लिटिल, एंड देन यू हैव टू यूज हियर सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, ओके. सो लेट्स नाउ दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. जब हम बात करते हैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे हम इस तरह से सेंटेंस बोलते हैं ना, अपने दिन भर में हम बहुत सारे ऐसे सेंटेंस बोलते हैं, जब हम बोलते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसे सीखा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने अंग्रेजी बोला, थोड़ा थोड़ा करके मैंने खाना बनाना सीखा, थोड़ा थोड़ा करके मैं चलना सीखा, ओके. तो दिन भर में हम ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जो कि हम इससे रिलेटेड होता है, ओके, लिटिल बाय लिटिल से. अब चलिए हम देखते हैं इससे सेंटेंस हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, कैसे सेंटेंस इस पे यूज हो सकते हैं, ओके, किस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं इससे रिलेटेड. सो क्या है हमारा एग्जांपल, थोड़ा थोड़ा करके मैंने अंग्रेजी बोला. अब डेफिनेटली कोई भी चीज है तो आप डायरेक्टली थोड़ी ना उस चीज को सीख सकते हैं, ओके. तो आप बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये किया, थोड़ा थोड़ा करके मैंने अंग्रेजी बोला, ओके. तो कैसे यूज करेंगे इसे, देखिए, लिटिल बाय लिटिल आई स्पोक इंग्लिश, लिटिल बाय लिटिल आई स्पोक इंग्लिश, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैंने अंग्रेजी बोला, थोड़ा थोड़ा करके मैंने अंग्रेजी बोला, ओके. तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है. नेक्स्ट है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पैसे जमा किए, ओके. तो इसको इंग्लिश में हम किस तरह से बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पैसे जमा किए या फिर पैसा जमा किया, ओके. तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लिटिल बाय लिटिल आई डिपोजिटेड मनी, आई डिपोजिटेड मनी, ओके. सो इस तरह से आपको इसे यूज करना है, ओके. थोड़ा थोड़ा करके मैंने ये किया, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पढ़ा, ओके. तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस इससे रिलेटेड क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं आज का हमारा. सो इससे रिलेटेड द नेक्स्ट एग्जांपल है, लिटिल बाय लिटिल आई स्टडीड, लिटिल बाय लिटिल आई स्टडीड, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैंने पढ़ा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने पढ़ा. अब डायरेक्टली तो कोई भी पढ़ना स्टार्ट थोड़ी ना कर देता है, अब स्टार्टिंग तो थोड़े थोड़े से ही तो करेगा, ओके. तो आप बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसे पढ़ा और अब मैं इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकता हूँ, ओके. सो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिटिल बाय लिटिल आई लर्नड वॉक, लिटिल बाय लिटिल आई लर्नड वॉक, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैंने चलना सीखा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने चलना सीखा. तो आपको इस तरह से अगर आपको कहना हुआ थोड़ा थोड़ा करके मैंने चलना सीखा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने गाना सीखा, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं. यहाँ पे सिंग हो जाएगा है, जहाँ पे आपका वॉक है, ओके, सैंग, ओके. लिटिल बाय लिटिल आई लर्नड वॉक, मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैंने चलना सीखा. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लिटिल बाय लिटिल आई अंडरस्टूड, लिटिल बाय लिटिल आई अंडरस्टूड, थोड़ा थोड़ा करके मैंने समझा, थोड़ा थोड़ा करके मैंने समझा, ओके. तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे इसे, सपोज दैट अगर आपको किसी मैटर के बारे में ना पता हो, बट आपको कुछ मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके आपको अगर उस चीज के बारे में पूरा नॉलेज हो जाता है, ओके. तो आप बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे समझा, ओके. थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसे समझा या फिर मैं इसे समझा, ओके. लिटिल बाय लिटिल आई अंडरस्टूड, ओके. तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं. बाय द वे चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर, एंड देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर. और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट ग्रेट स्ट्रक्चर,
I am inwardly plus other words आपको यहाँ पे यूज करना है. ओके इसका मतलब क्या होता है? इनवर्डली मतलब होता है मन ही मन. ओके मन ही मन आपका यहाँ पे होता है मन ही मन. जैसे मन ही मन मैं गुस्सा हूँ, मन ही मन मैं गुस्सा हूँ. अब कोई मतलब कि ऐसा इंसान हो जो बहुत ज्यादा गुस्से में हो बट वो शो ना करता हो कि हाँ मतलब कि उसके फेस से ना लगे कि हाँ वो गुस्सा है. तो अगर आप उसे आज बहुत हैप्पी लग रहे हो मतलब कि आज कुछ मतलब कि आज बहुत सैड लग रहे हो बोल नहीं रहे हो तो आप बोल सकते हैं क्योंकि मन ही मन में गुस्सा हूँ. ओके मन ही मन में क्या हूँ? गुस्सा हूँ. तो कैसे यूज करेंगे इसे इंग्लिश में? I am inwardly angry. मतलब मन ही मन में क्या हूँ? गुस्सा हूँ. Next example, मन ही मन में खुश हूँ. What? मन ही मन में खुश हूँ. मतलब कैसे इसको यूज करेंगे? बहुत सारे इंसान होते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा खुश होते हैं अंदर से एंड एक्चुअल में वो बाहर से नहीं दिखाते हैं कि यस आई एम हैप्पी. सो अगर आपको कहना हुआ मन ही मन में आज बहुत खुश हूँ या फिर मन ही मन में खुश हूँ तो कैसे यूज करेंगे? अगर अगर कोई बोलता है आज मन ही मन में आप बहुत खुश हैं, ओके कैसे यूज करेंगे इसे? I am inwardly happy. मतलब मैं मन ही मन खुश हूँ या फिर मन ही मन मैं खुश हूँ. ओके इस तरह से आप इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर. देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल. और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? Inwardly I am thinking. ओके तो कैसे यूज किया जाएगा इसे? मन ही मन मैंने सोचा. ओके नेक्स्ट है मन ही मन मैं सोचता हूँ. ओके इस तरह से आप बोल सकते हैं मैं I am inwardly restless. मतलब मन ही मन मैं क्या हूँ? बेचैन हूँ. मन ही मन मैं बेचैन हूँ. मैं सोच रहा हूँ. मन ही मन मैं सोच रहा हूँ. मन ही मन मैं परेशान हूँ. ओके तो कैसे यूज करेंगे? इस तरह से आप इसे यूज करेंगे इनवर्डली. I am inwardly thinking. मतलब मन ही मन मैं सोच रहा हूँ. I am inwardly restless. मन ही मन मैं परेशान हूँ. ओके तो इसे आप इस तरह से यूज करेंगे. नेक्स्ट बोलते हैं I am inwardly anxiety. It means मन ही मन मैं परेशान हूँ. अब कोई इंसान मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो और वो किसी को बताए ना कि हाँ उसकी परेशानी क्या है और मतलब कि वो फिर भी अगर किसी ने पूछा क्या हुआ आज बहुत ज्यादा उदास लग रहे हो तो आप बोल सकते हैं क्योंकि मन ही मन में बहुत ज्यादा परेशान हूँ या फिर बहुत ज्यादा चिंतित हूँ. ओके अगर कोई ऐसा इंसान है जो किसी बात के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हो तो आप बोल सकते हैं कि आई एम. अगर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं अगर बहुत ज्यादा परेशान है अगर कोई पूछता है तो आप बोल सकते हैं मन ही मन में बहुत ज्यादा परेशान हूँ या फिर चिंतित हूँ. ओके आई एम एंग्जाइटी. आई एम इनवर्डली एंग्जाइटी. ओके इस तरह से आप इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं एंड द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज दैट व्हाट अबाउट. ओके दिस इज द व्हाट अबाउट. ओके सो ये है आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर व्हाट अबाउट प्लस नाउन. व्हाट अबाउट प्लस नाउन इसका मतलब क्या होता है? द मीन्स ऑफ दिस नॉट आजकल. इसका मतलब क्या होता है? आपकी पढ़ाई का क्या? जब हम यूज करते हैं इस तरह से इसका क्या? ओके इसका मतलब क्या होता है? क्या इसका क्या? ओके जैसे आपकी पढ़ाई का क्या? आपकी पढ़ाई का क्या? सपोज दैट अगर आपके फ्रेंड लोगों ने प्लान बनाया हुआ हो कहीं पे घूमने का. ओके एंड अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि मैं घूमने जाना चाहता हूँ तो पेरेंट्स बोलेंगे ना आपकी पढ़ाई का क्या. ओके आपकी पढ़ाई का क्या? तो कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे? लेट्स नाउ व्हाट अबाउट योर स्टडी. अब क्योंकि आपकी पढ़ाई इट मींस स्टडी योर स्टडी. अगर अगर यहाँ पे होता पढ़ाई का क्या. ओके अगर किसी ने कहा कि चलो घूमने चलते हैं तो आपने कहा ओके लेकिन पढ़ाई का क्या?
काम का क्या, प्लान का क्या, तो आप वहां पे इस तरह से यूज करेंगे। वहां पे जस्टली आपको क्या यूज कर देना है, सिर्फ नाउन यूज कर देना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आपकी ऑफिस का क्या। अब अगर आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं एंड अगर आप कहीं पे जाना चाहते हैं, छुट्टी लेना चाहते हैं, तो किसी ने आपको सजेस्ट किया, अच्छा आपके फिर ऑफिस का क्या, ओके आपके ऑफिस का क्या, कैसे यूज करेंगे इसे। व्हाट अबाउट योर ऑफिस, व्हाट अबाउट योर ऑफिस, आपके ऑफिस का क्या, ओके तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट अबाउट प्लान, प्लान का क्या, ओके व्हाट अबाउट प्लान, प्लान का क्या, प्लान को हम ऐसे ही फेल कर देंगे, ओके तो कैसे यूज करेंगे हम इसे। अगर हमें कहना हुआ व्हाट अबाउट, मतलब प्लान का क्या, व्हाट अबाउट प्लान। नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट अबाउट विजिट, व्हाट अबाउट विजिट, मतलब घूमने का क्या। अब कहीं पे अगर आपने प्लान बनाया हुआ हो घूमने के लिए, जैसे आगरा घूमने के लिए या फिर किसी और सिटी घूमने के लिए, और बाद में प्लान फेल हो जाता है कि नहीं जाना है, तो हम लोग बोलते हैं ना अच्छा घूमने का क्या, वहाँ पे हम लोग ने प्लान बनाया था कि वहाँ पे बहुत ज्यादा घूमेंगे, घूमने का क्या, चलने का क्या, ओके कैसे यूज करेंगे। व्हाट अबाउट विजिट, घूमने का क्या, ओके तो इस तरह से आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट अबाउट वर्क, व्हाट अबाउट वर्क, मतलब काम का क्या। सपोज दैट अगर कोई आपको बुला रहा है कि चलिए कहीं घूमने के लिए चलते हैं, और आपके पास बहुत ज्यादा काम हो तो आप बोल सकते हैं लेकिन काम का क्या, काम का क्या, ओके काम का क्या, तो कैसे यूज करेंगे। व्हाट अबाउट वर्क, व्हाट अबाउट वर्क, मतलब काम का क्या, घूमने तो मैं चली जाऊंगी लेकिन काम का क्या, ओके ये कौन करेगा, ओके तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ओके सो यू शुड अप्लाई दीस टाइप्स ऑफ सेंटेंस। लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। एंड चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर है क्या, दैट्स वेरी गुड स्ट्रक्चर। एंड द स्ट्रक्चर इज दैट योर प्लस नाउन प्लस आपको यूज क्या करना है, आपको यहाँ पे रिमाइंड्स मी एंड देन नाउन, ओके आपको दो दो बारी नाउन यहाँ पे यूज करना है। वंस अगेन आई रिपीट दिस दैट हाउ यू हैव टू यूज दिस, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज हियर योर प्लस नाउन प्लस रिमाइंड्स मी एंड देन नाउन। अब चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि याद दिलाता है, जब हम किसी बात को बोलते हैं, जैसे कि मुझे ये स्कूल मुझे मेरे बचपन की याद दिलाती है, ये स्कूल आपका स्कूल मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाती है, ओके तो कैसे यूज करेंगे इसे इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, आपका स्कूल मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाती है, आपका स्कूल मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाती है, तो कैसे यूज करेंगे इसे हम। बहुत ही सिंपल है, आपको क्या यूज करना है। अब हमने यूज क्या करना है, योर, तो हमने सबसे पहले योर, क्योंकि आपका स्कूल, ओके सो योर नाउन हमारा क्या है, स्कूल, योर स्कूल। अब क्या हमें यूज करना है, रिमाइंड्स मी, रिमाइंड्स मी मतलब याद दिलाती है, रिमाइंड्स मी, ओके अब किसकी, मेरे स्कूल की, मतलब माय स्कूल। योर स्कूल रिमाइंड्स मी माय स्कूल, मतलब आपका स्कूल मुझे मेरे स्कूल की याद दिलाती है। नेक्स्ट है आपका चेहरा मुझे मेरे भाई का याद, भाई की याद दिलाती है। अब किसी का फेस एकदम आपके, अगर सपोज दैट आपके ब्रदर से मिलती हो तो आप बोल सकते हैं आपका चेहरा बिल्कुल मेरे भाई की तरह है, और आपका चेहरा मुझे मेरे भाई की याद दिलाता है, तो कैसे यूज करेंगे हम इसे। योर फेस रिमाइंड्स मी माई ब्रदर, योर फेस रिमाइंड्स मी माई ब्रदर, ओके तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है,
योर हाउस रिमाइंड मी माई हाउस. ओके, सपोज दैट अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हो और किसी का घर ऐसा लगता हो कि मतलब कि आपके घर की तरह, तो आप बोल सकते हैं आपका घर मुझे मेरे घर की याद दिलाता है. तो कैसे यूज करेंगे इसे इंग्लिश में? योर हाउस रिमाइंड्स मी माई हाउस. योर हाउस रिमाइंड्स मी माई हाउस, मतलब आपका घर मुझे मेरे घर की याद दिलाता है. ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल है योर चाइल्ड हुड रिमाइंड्स मी माई चाइल्ड हुड. योर चाइल्ड हुड रिमाइंड्स मी माई चाइल्ड हुड. ओके, मतलब आपका बचपन मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है. अगर बहुत सारे छोटे बच्चे खेल रहे हो तो अगर आप उनको खेलता देखते हैं तो यूज यहाँ पे हम यूज करते हैं ना, आपका बचपन मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है. ओके, आपका बचपन ऐसे, मतलब कोई कोई बच्चे बहुत ज्यादा शरारती होते हैं एंड अगर आप भी बचपन में बहुत ज्यादा शरारत करते रहते करते हो. ओके, तो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि आपका बचपन मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है क्योंकि मैं भी बचपन में बहुत ज्यादा शरारत किया करता था. ओके, तो यहाँ पे हम इस तरह से यूज करेंगे, आपका बचपन मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है. योर चाइल्ड हुड रिमाइंड्स मी माई चाइल्ड हुड. नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस स्कूल रिमाइंड्स मी माई फ्रेंड्स. दिस स्कूल रिमाइंड्स मी माई फ्रेंड. ये स्कूल मुझे मेरे फ्रेंड की याद दिलाता है. ओके, सपोज दैट अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो एंड अगर आप उससे निकल जाते हैं, मतलब कि तो हम क्या यूज करते हैं जब उस स्कूल को देखते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि ये स्कूल मुझे मेरे फ्रेंड की याद दिलाता है. ओके, मुझे मेरे दोस्तों की याद दिलाती है. ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में. ओके, एंड ये ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे सेंटेंस है जो हम डेली यूज करते हैं. ओके, सो यू शुड अप्लाई दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस. बाय द वे, आज के लिए बस इतना ही और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही एक्साइटिंग से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर लेके, कुछ सेंटेंस लेके जो कि हमारे स्पोकन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, इम्पैक्टफुल होगा. एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर न्यू वर्क.